हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। तो भाई आज हो गई मामा के घर जाने की तैयारी। तो आज है शादी, मंडा भी आज ही है, बारात भी आज ही है, क्योंकि दिन में मंडा होगा, लगन होगा और जी शाम रात के टाइम बारात होगी कल सुबह अपने घर। और अभी हम सुबह के उठे हैं, हमने जो है सर तो मैंने धो लिया भाई, अभी नहाए नहीं क्योंकि अभी झाड़ू वाड़ू लगाई है। वो सर इसलिए धोया क्योंकि ताज़े ताज़े पानी में लाइट 6 बजे चली जाना, 6 बजे से पहले पहले सर धो लिया था। और जो गर्म पानी में धोगे ना सर तो फिर वो डैंड्रफ हो जाएगा ज़्यादा। तो अभी बस गर्म पानी तो हो चुका है और हमने झाड़ू वगैरह भी लगा दी है। पशुओं का काम रह गया है, गोबर हटा दिया है, बस थोड़ी सी झाड़ू लगानी बाकी रह गई नीचे को, क्योंकि जो मोटा मोटा सा गोबर है पाथने के लिए वो अलग डालना पड़ा है, और जी जो और कचरा हुआ है वो अलग कूड़ी पर डाल दें। तो बस अभी नए घास करेंगे और फिर चाय वाय बनाएंगे। अभी सब लेट ही रहे हैं, वैसे उठ तो रहे सभी, लेकिन मैं और आजकल काम में लग रहे हैं और सभी तो पापा, अन्निका के पापा और राघव और अन्निका तो सॉरी लेट ही रहे अभी। तो चलिए जी अभी बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक, और आ जाएंगे मामा के घर। वो ही शादी है तो शादी को घुमाया तो आपको पता ही है कितना वो। तो वैसे तो राघव रहेगा यहाँ पे शाम के टाइम, और ताऊ जी की लड़की है रितु दीदी, ताऊ जी यार कोई भी लेट जाएंगे, लेकिन शाम का टाइम राघव आ जाएगा। तो अभी दिन में तो ताऊ जी हो जाएंगे, अभी जो गाय वाय का पैरा देना पड़ा ना भाई तो मेरे लगे। ताऊ जी की पत्ती है जो सीरी हो भी जाएगी हमारे साथ में। कर लेते हैं अपना काम पहले, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी हम हो गए हैं तैयार सभी, और आज है थोड़ा सा सिंपल लुक बालों का। आज पहली बार इस तरह के बाल करे मैंने। राघव भी तैयार हो गया, इधर सीरी बनना, इधर आओ सीरी भी तैयार होगी, सीरी भी जा रही है हमारे साथ में, और लड्डू भी तैयार होगी इधर, और ये भी तैयार हो गए। और इनका तो लुक यही है कि ऊपर पहन लो ये विंचीटर, क्योंकि गर्दा बैठ जाएगा बट वो ठीक है, वहीं जाके निकाल देंगे। आचल आचल मौसी कहाँ? अच्छा चश्मा दिखा रही है अपना, और भाई 3-4 जोड़े पहना के देखे, फिट ही आया इसका, फिर ही पहनाया। आचल भी इधर तैयार होगी, सब तैयार हो गए, मम्मा के चल रहे शादी में हुआ हुआ में सारे के सारे। तो भाई चलो चलिए जी आपको लेके चलते हैं अपने मामा के घर दूसरी बार, जब से ब्लॉग बना रहे दूसरी बार जा रही। तो बैग बंद दो, अभी अन्निका भी तैयार होगी और आचल तो चली गई राघव के साथ मैं खाली मैट लगा गई, मतलब कि पीछे को ना कीजिए, आगे पापा कूद के आए तो चलो 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 हैं, मैं बैठ लूं। जय श्री राम। अभी पहुंच चुके हैं मामा के घर, और अभी बस यह है कि नाश्ता पानी चल गया यहाँ पे सब कुछ कुछ खाली हो गया यहाँ पे, तो हम रह गए थे लास्ट में। तो देखो अकेले से ही खाल बट्टा हैं सुकून ते खाइयो, जा भीड़ भड़ाक का कुछ नहीं है। हाँ ठीक है चलो पापा के साथ खाओ, जाओ ये। मम्मा का घर आयो अपने तो बनाओ जाए भाभी के। अच्छा ये काना जी की, अच्छा ये मेरी, ये भी मेरी, ये दो की क्या चीज है? मम्मा की और उसकी होगी, और ये अच्छा अच्छा मम्मा की होगी, शुभम की होगी, ये उन्होंने फिरा दी, ये दो गुंठी है इसके पावर, ये ताऊ जी हल्दी दोनों, अच्छा ताऊ जी हल्दी, और सीएम की चैनल वो तो मैंने, और पापा की सोम की भी सुनने की उठी आई। अच्छा तो अपने पहन रहे पहन रहे हो तो पहना दी। गाइस अभी टेबल लिया गया है, जब तक भाई का टेबल लिया गया है ना, को लाइट के जान लगा तो हम तो लेट हो गए, और अभी बस आ गए हम यहाँ पे, और क्या ले जाएगा अभी खाना खाया। हाँ तो भाई को मिली एक चैन और अंगूठी, हाँ घड़ी भी। तो भाई ये है सब चीजें, ये दरबार है इधर मम्मा जी का, तो ये देखो यहीं पे देवता बैठा रखे हमारे यहाँ पे ना, देवता बिठाए जाए जो इसी तरीके से बिठाए जाए यहाँ पे, तो भगवान जो भोग लगाया है रोज की जैसे बांध हुआ है ना उस टाइम पे, मेरे मम्मा जी का, मम्मा जी यहाँ पे सभी। तो अभी भाई बड़े वाली भाभी का रूम ये है, और ये देखो
घर का बैठी है यहाँ सी आंचल के साथ थोड़ी जोट मिल रही इनकी। और यहाँ पे आप सब बताओ कौन कौन, ये भाभी की भाभी, ये भाभी की बहन, और जी ये है मौसी की पोती। हाँ हाँ, आप मौसी लगो अभी, ये अभी मौसी लगे। देखो मैं तो इन मौसी को भी पहली बार देखा, मम्मी की बुआजी की लड़की, और ये मौसी तो देखो चेहरा मिल रहा मम्मी के साथ में। क्योंकि मौसी के साथ घर गए थे ना, तो मौसी को तो जाना है सब। भैया ढोल तो बजा लो, ढोल से बजा लो। अरे दूध पेड़ा लेके मम्मा जी अरगे लिए। हाँ तो दूध पेड़ा जो एक रस्म हुआ है हमारे यहाँ पे कि भाई बच्चियों को दूध पेड़ा फिर खिलाया जाए। चलो बच्चे के लिए दूध पेड़ा, चलो तो भैया आपके लिए पेड़े लाओ ना। जो कह रहे कि चलो अभी तो मावे की चीज है, देखो थोड़ा एडजस्ट कर लो, देखो खा गया दो तरह की है बर्फी। तो भैया सो जावे शादी में, पेड़ा तो कहाँ बना, देखो भैया की बर्फी खा लो। पेड़ा ही होगा सर। हाँ हो है तो पेड़ा ही, वैसे दूध पेड़े की रसम है, लेकिन अभी यह थोड़ा सा बर्फी होगी। हाँ बहुत ज्यादा लिया जा रहा है भात। और भाई पहले मंडा बांधा गया, मंडा हमारे यहाँ पे दामाद बांधते हैं, तो पापा जी ने बांधा क्योंकि दामाद हो गया, और फिर अर्णिका के पापा ने भी, और ये मौसी के जवाई थे दूसरे वाले। तो अभी मम्मी जी यहाँ पे भात ले रही, फिर देना पापा को भी भात, क्योंकि जो मम्मी जी है ना हमारी, वे हमारे गोतियों की है, तो पापा भाई लगते हैं, तो पापा भी चौंकी पे चढ़ेंगे। तो अभी ये सबसे बड़े वाले भाई हैं मम्मी जी के, ताऊ जी, तो हम ताऊ जी बोलते हैं क्योंकि भाई हमारे गोत्र के हैं ना, तो हमारा गोत्र और इनका गोत्र एक ही हो गया, तो फिर हमारे ताऊ जी लगे। तो मामी जी यहाँ पे सबसे पहले बड़े वाले भाई का टिक्का करेगी, और टिक्का करें ना जैसे कि फिर लड्डू दिए जाओ। तो यहाँ पे जो खड़े हैं सभी भाई भाभी ऐसे होते हैं, जो सभी खड़े रहते हैं जो रिलेटिव हो गए, और जो भात देवे हमें। तो अभी यहाँ पे शुरू हो गया है भात देना, और काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे। अभी पापा भी टीका कराएंगे भात का, क्योंकि पापा थोड़े से लेट चढ़े थे, और भाई सब चढ़ रहे थे, पहले सबसे बड़े वाले भाई चढ़ते हैं, फिर दूसरे वाले, दो मम्मा जी है गंगा के। तो यहाँ पे अभी पापा ने भी टीका करा लिया है, और बस ये है कि भाई राघव तो आ गया था ना, वरना राघव भी कराता टीका, जो राघव होता वहाँ पर, तो पापा ने ही टीका कराया है। यहाँ पे अभी जो
मिठाई वगैरह का सोन होता है वो हो चुका है, तो काफ़ी टाइम लगा। फिर जाएंगे बारात लेकर और पहले उतारे जाएंगे बान और फिर जाएंगे बाहर। पीछे से बैठ लो, पीछे से बैठ लो, बढ़िया। चलो तारों का साथ साथ ही फिर रोके ऊपर गिनती बजेगी ये सब के तो आ रहे पता लगाने औरतों का काम ही है। अभी यहाँ पे दूल्हा तैयार हो चुका है। अर्णिका के पापा ने यहाँ पे इसे तैयार किया है क्योंकि जो दामाद होते हैं जमाई राजा यानी कि वे ही तैयार करते हैं, इन्हें नेक मिलता है। नेक का तो ऐसा था कि हर मिनट के नेक मिल रहा था, कभी मंडा बांधने का, कभी कपड़े पिराए का, कभी कुछ इस तरीके से। अभी हम चल दिए हैं बारात में। अर्णिका थी मम्मी के साथ में तो हम आ रहे थे पीछे पीछे क्योंकि हम बैग लेके जा रहे थे ना, जो मतलब कि सर्दियों के कपड़े थे रात के टाइम पहनने के, जर्सी सोल वगैरह, क्योंकि अभी तो गर्मी सी हो रही थी, शाम का टाइम था तो रात के टाइम तो देखो ठंड लगेगी। तो अभी हम चल दिए भाई शादी में, तो जो नेक्स्ट व्लॉग होगा आपको बारात का देखने को मिलेगा। तब तक के लिए राधे राधे।